हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिफ्यूजन और एफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, एफ्यूजन क्या होता है और इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन को। द स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल्स विद अनदर गैस मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि एक गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर में जब एक गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमिंगलिंग करते हैं, यानी कि उसमें मिक्स हो जाते हैं, आपस में दोनों मिल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेट्स से किसी जार में हमने किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद वही मॉलिक्यूल्स पूरे जार में फैल जाते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि ये लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में जा रहे हैं एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स। और दूसरी एग्जांपल ये है जब एक जार में दो डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ये होती है डिफ्यूजन। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इज अगर किसी रूम में आप कोई सेंट लेके आते हैं, यानी कोई परफ्यूम लेके आते हैं, या आप कोई गुलाब का फूल रख देते हैं तो उसकी खुशबू फैल जाती है, दिस इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स उस खुशबू को कैरी करते हैं वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, हवा के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अब समझते हैं एफ्यूजन को। द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग थ्रू आ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड एफ्यूजन। यानी कि किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने किसी हाई प्रेशर में रखा हुआ है और वो किसी छोटे ओपनिंग से या किसी छोटे सुराख से अगर वो बाहर निकल जाए, दिस इज़ कॉल्ड एफ्यूजन। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किसी गैस के मॉलिक्यूल्स किसी जार में रखे हुए हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वहाँ से निकल रहे हैं, दिस इज़ एफ्यूजन। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एफ्यूजन इज़ हमारे पास जो टायर हैं, जब वो टायर पंक्चर हो जाते हैं, पंक्चर होने की वजह से जो टायर के अंदर हवा भरी हुई होती है हाई प्रेशर में, उन मॉलिक्यूल्स को छोटी सी ओपनिंग मिल जाती है और उस ओपनिंग से वो मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स जो हवा भरी हुई है वो हवा स्लो स्लोली उसमें से निकल जाती है, दिस इज़ एफ्यूजन। ये प्रोसेस एफ्यूजन का प्रोसेस होता है। सो दिस वाज डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। अगर आपको डिफ्यूजन या एफ्यूजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें सो दैट मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड कर लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।